हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुंदर शेड लविंग एयर प्योरीफायर प्लांट जिसका नाम है ड्रेसिना मसंजियाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ में इन प्लांट्स को हम अगर पॉट में ग्रो करते हैं तो अब हमें इन प्लांट्स को कैसे करके केयर लेना है, तो ये सारे डिटेल्स आज मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तो आप भी बहुत ही ईजिली ऐसा देखिए कितना खूबसूरत एक पत्तेदार प्लांट, इसको आप भी बहुत ही ईजिली पॉट में भी ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्लांट का बहुत सारे नाम है, जैसे कि इसको येलो कॉर्न प्लांट नाम से भी जाना जाता है, ड्रेसिना कॉर्न प्लांट भी बोलते हैं, और ड्रेसिना मसंजियाना भी बोलते हैं, और साथ में ड्रेसिना फ्रेग्रेंस भी इस प्लांट को बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जब फूल आते हैं उस फूल में बहुत ही अच्छा खुशबू होता है, तो इसलिए इसको ड्रेसिना फ्रेग्रेंस भी बोलते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा फूल भी खिलते हैं, जब प्लांट थोड़ा सा एजेड हो जाते हैं तब ऐसा करके इस प्लांट से फूल भी खिलते हैं, और ऑर्किड जैसा इसका फूल होता है। देखिए, ये होता है इसका फूल। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है, तो इसीलिए हम इसे इंडोर में भी बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। तो ये प्लांट हवा को शुद्ध करता है, तो इसीलिए हमें इस प्लांट को बेडरूम में भी हम रख सकते हैं, और जहाँ आपका मन करे वहीं रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट्स है, बहुत ही स्लो ग्रो होते हैं, और इसका हाइट 4 फीट से लेकर 6 फीट तक लंबा होता है अगर पॉट में हम ग्रो करते हैं तो, लेकिन अगर ग्राउंड में ग्रो करेंगे तो फिर 10 फीट से भी ज़्यादा ये बड़ा बन सकता है, तो तब ये फ्लावरिंग भी करते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, इस प्लांट के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और हेल्दी रहता है, तो इसीलिए ऐसा टेम्परेचर इन प्लांट्स को हमें देना पड़ता है, तब जाके प्लांट्स ऐसा हेल्दी रहता है। और फ्रेंड्स, मैं इन प्लांट्स को पहले पानी में ग्रो कर रहे थे, बहुत दिनों तक पानी में ही था, फिर उधर से मैं ऐसा मिट्टी के साथ पॉट में ग्रो करना शुरू कर दिया करीबन 3-4 महीने पहले, और 3 महीना पहले फिर मैं वो सारे प्लांट्स को रिपोर्टिंग किया था इस पॉट में। पहले एक छोटा सा डिब्बिया में मैं इन प्लांट्स को वहाँ से काटिंग करके मैंने लगाया था, उसमें मिट्टी नहीं था, सैंड और थोड़ा सा कंपोस्ट शायद डाला था, या फिर सिर्फ सैंड से भी आप ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत ही इजीली ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, प्रोपागेशन करना बहुत ही इजी होता है। तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं इन प्लांट्स को 3 महीना पहले कैसे इस पॉट में, ये दोनों पॉट में शिफ्ट किया था। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम वो सारे वीडियोस देख लेते हैं और साथ में इसका कंप्लीट केयरिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वो दोनों प्लांट 3 महीना पहले ऐसे था, और ये दोनों को अभी हम इस पॉट में शिफ्ट करेंगे, और देखिए सिर्फ सैंड में और एक मुट्ठी जैसा कंपोस्ट मैंने फार्मी कंपोस्ट मिला दिया था, वो नहीं देने से भी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रूट्स ही नहीं निकलते हैं, तो थोड़ा बहुत रूट्स निकल जाते हैं और बहुत ही इजीली ये प्लांट प्रोपागेट हो जाते हैं, रूट्स निकल जाते हैं। तो अभी हम इस प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं, तो पहले हम उसके लिए हमें कैसा सॉइल मिक्सर चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉइल है वो हमें चाहिए 2 पार्ट, और ये सैंड इसको हमें 1 पार्ट चाहिए, और ये है कोकोपीट इसको भी हमें 2 पार्ट चाहिए, और साथ में ये फार्मी कंपोस्ट मैंने ले लिया, तो आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है वही आपको 2 पार्ट लेना है, और साथ में ये फंगिसाइड पाउडर 1 चम्मच आपको मिला लेना है। तो इसी से इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा एक सॉइल मिक्सर बन जाते हैं, क्योंकि मैंने यही सॉइल मिक्सर में वो दोनों प्लांट के बैठाया है। देखिए, तो अभी हमें ये सॉइल को, सारे सॉइल को एक साथ मिलाना है सबको, और मिलाने के बाद हम थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, देखिए
ये स्टेम हिल मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। अगर आपके पास हॉर्न डस्ट भी अवेलेबल है वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, और साथ में नीम खली डालने से हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक फोलियस जैसा ही प्लांट है, तो इसीलिए ऐसा थोड़ा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलाने से बहुत ही अच्छा ही रहता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं है, और ये नीम खली और हॉर्न डस्ट देने से तो अब स्टेम हिल देने का ज़रूरत नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें जो पॉट है उसमें होल होना तो बहुत ही ज़रूरी है, और उसको ऐसा करके बंद करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा करके आप अगर ड्रेनेज सिस्टम बनाओगे तो आपका प्लांट में कभी भी रूट रॉट नहीं होगा, प्लांट्स बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए अभी हमें मिट्टी को ऐसे करके थोड़ा सा दबा दबा के हमें मिट्टी को बैठाना पड़ता है, तब कोई एयर नहीं रहता है मिट्टी में और रूट गलने का भी चांस नहीं रहता है। और अभी हम इसको उठाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ सैंड है, ये जो बिल्डिंग बनाने का सैंड है वही सैंड से मैं ग्रो करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो रिवर सैंड हमें मिलते ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं यही सैंड से सारे प्लांट्स को ग्रो करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास रिवर सैंड अवेलेबल है वो आप ज़रूर मिलाइएगा किसी भी प्लांट में, मैं इसका बात नहीं कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा होता है वो सैंड। और मैं कभी कभी होम टाउन जाने से वो रिवर सैंड घर से ले आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रूट्स देखिए निकल गया है, और अभी हमें इसको ऐसे करके बस रखना है और चारों तरफ हमें मिट्टी डालना है। तो ऐसे करके हमें इन प्लांट्स को, और फ्रेंड्स देखिए अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं ऐसा करके इसको आप काट के लगा दीजिएगा, तो बहुत ही इजीली उसमें भी रूट्स जो है निकालना शुरू हो जाएगा। मेरा दूसरा वाला प्लांट को भी मैं उठा के दिखाऊंगी, देखिएगा वो तो ऐसा ही ब्रांच काट के लगा दिया था। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें धूप कितना देना है। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा शेड लविंग प्लांट है, तो इसको हमें थोड़ा सा भी धूप देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वहाँ पे धूप नहीं आते हैं तो वहाँ पे इस प्लांट के लिए बहुत ही एक अच्छा जगह है, आपको थोड़ा सा भी धूप देने का ज़रूरत नहीं है, बस ब्राइट सनलाइट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में अगर आप इंडोर में ग्रो करना चाहते हैं तो अब आपको फिर वहाँ पे जो हवा है, हवा का आना जाना होना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो होने से ही ये प्लांट बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहेगा। तो ऐसा इसको हमें धूप नहीं देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें पानी कितना देना है। फ्रेंड्स पानी हमें मॉइस्ट रखना है हर वक्त, तो उस हिसाब से आपको पानी देना है, लेकिन सौगी मिट्टी बना के भी हमें नहीं रखना है, तो आप उस हिसाब से पानी देना है। जब आप देखें कि ऊपर का मिट्टी सूख गया है तब आपको इस प्लांट में पानी देना है, तब ये प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा दूसरा वाला, इसको तो मैं छोटा सा एक वो ब्रांच काट के लगा दिया था, तो इसका भी बहुत ही अच्छे से रूट्स निकल गया है, आप लोग देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इन इंडोर प्लांट्स, जो ड्रेसिना कॉर्न प्लांट। फ्रेंड्स इसका पत्ते देखिए थोड़ा बहुत कॉर्न की तरह भी होता है, तो इसीलिए इसको ड्रेसिना कॉर्न प्लांट भी बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, फ्रेंड्स मैंने जो सॉइल मिक्सर बताया ऐसा करके आप अगर लगाएंगे तो इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालने से भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहेगा। लेकिन अभी जो बारिश का सीज़न है, इस सीज़न में आप इन प्लांट्स को बीच बीच में बारिश में छोड़ दीजिएगा, तो आपका इंडोर प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहेगा और बहुत सारे पत्ते निकाल आएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा दिखने में। तो ऐसे करके आप करिएगा। और साथ में फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आप डेढ़ दो महीने के बाद आप एक मुट्ठी डेढ़ मुट्ठी जैसा जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है वो मिट्टी के चारों तरफ आप दे सकते हैं, मतलब जो प्लांट है उसका चारों तरफ आप दे सकते हैं मिट्टी के साथ मिला के, मिट्टी थोड़ा गुड़ाई करके वहाँ पे डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स देखा है इसमें भी छोटा छोटा रूट्स निकल गया है। और फ्रेंड्स और साथ में आपके पास अगर एनपीके सेम रेशियो का एनपीके वाटर सोल्यूबल वो अगर अवेलेबल है तो वो आप ज़रूर डालिएगा, महीने में एक बार डालने से हो जाएगा, वो भी 25 डेज के बाद से आप डाल सकते हैं, मतलब ऐसा इंटरवल में 25 डेज के इंटरवल में आप
फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो एनपीके लिक्विड वाला। तो उसको एक चम्मच एक लीटर पानी में आपको अच्छे से खोल के इस प्लांट में जितना चाहिए एक कप जैसा आप डाल सकते हैं, ज़्यादा भी हमें नहीं देना पड़ता है। और साथ में फ्रेंड्स आप 15 डेज़ के अंतर अंतर जो वही वाटर सोल्युबल एनपीके सेम रेशियो का उसको एक चम्मच से थोड़ा सा कम लेके आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। तो वो एक लीटर पानी में खोल के आप इसमें स्प्रे करिएगा तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहेगा। तो ये करने से पत्ता बहुत ही हेल्दी बन जाते हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं इन प्लांट्स में, काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप डाल सकते हैं। और देखिए मेरे दोनों प्लांट्स को लगाना भी हो गया है, और ऐसे ही करके हमें इन प्लांट्स को रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो ऐसे करके हम इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास एनपीके भी अवेलेबल नहीं है तब आप यूरिया फॉस्फेट और पोटास ये तीनों को सेम रेशियो में लेना है, और वहाँ से फिर एक चम्मच आपको एक लीटर पानी में भिगो के रखना है। जब अच्छे से घोल जाए पानी के साथ तब वो एक लीटर पानी में, तो उसको फिर अच्छे से घोल के आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो ये भी वो सेम ही है, महीने में एक बार डालने से हो जाएगा। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहेगा, और बहुत ही सुंदर इसका पत्ता जो अभी नया निकाल आते हैं, ये तो बहुत ही पुराना पत्ता है, जब मैंने ख़रीदा था तो वही पत्ता बड़ा होके पुराना बन गया है, क्योंकि ये एक स्लो ग्रो मतलब बहुत ही स्लो ग्रो होता है ये प्लांट। और फ्रेंड्स इतना देखिए हमारा लगाना भी हो गया है रिपोर्टिंग करना, तो ऐसे ही करके आपको भी रिपोर्टिंग करना है, और ऐसे ही सॉइल मिक्सर के साथ रिपोर्टिंग कीजिएगा। और फ्रेंड्स इस प्लांट को आप अगर थोड़ा सा भी धूप में रखेंगे तो इसका पत्ते का जो टहनिया है वो ऐसे करके सूख जाता है देखिए। और फ्रेंड्स ऐसे सूखने से आपको यहाँ तक काट देना है, तो आपका प्लांट अच्छा दिखेगा और हरा भरा ही रहेगा, और वो सूखेगा भी नहीं इतना। देखिए मेरा ये वाला पत्ता भी सूखा था, तो ऐसे करके आपको काटना है। और ड्राई सीजन में ज़्यादा ऐसा हो जाता है, ये तोप का ही था इस पत्ते में, मैंने काटा ही नहीं था उसको, देखा ही नहीं था। तो ऐसे करके इस प्लांट को हमें केयर करना है। तो फ्रेंड्स इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना इस प्लांट के बारे में। और एक बात फ्रेंड्स, इस प्लांट में आपको हर डेढ़ महीने या फिर दो महीने के अंतर अंतर आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिएगा, तो आपका प्लांट्स में कोई भी बीमारी आएगा ही नहीं, बहुत ही हेल्दी रहेगा। मेरा प्लांट में कोई भी बीमारी अभी तक नहीं आए है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही करके आप भी केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट्स भी बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा, और साथ में हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।